आपसी विवाद के चलते भरतपुर जिले में वैर के गांव उमरेड़ में एक मां बेटे पर अपनी सरकारी पिस्टल से फायरिंग करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, गनमैन की ओर से बयाना पुलिस कोतवाली में सरेंडर करने के बाद आज कोतवाली पुलिस ने आरोपी गनमैन को थाना वैर पुलिस को सौंप दिया है। बता दें, इस फायरिंग में गोली लगने से मां की मौत हो गई थी, जबकि घायल पुत्र का इलाज जयपुर अस्पताल में जारी है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है। 24/11/22 को ग्राम उम्र में घटना घटी थी, जिसके संबंध में मुकदमा नंबर 299 पब्लिक वाइज दर्ज किया गया है। मृतका का पोस्टमार्टम करा दिया गया है, तो मुजरिम को राउंडअप कर लिया गया है। आज पूछताछ कर गिरफ्तार किया जाएगा। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में रह गया सिर्फ एक साल का समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 15 नवंबर 2022 से रोजाना 2 विधानसभा 1 बजे और दोपहर 3 बजे स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं हम अजमेर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटालिक रंगों में उपलब्ध, साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा अजमेर, 9571204206। आपसी विवाद के चलते भरतपुर जिले में वैर के गांव उमरेड़ में एक मां बेटे पर अपनी सरकारी पिस्टल से फायरिंग करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, गनमैन की ओर से बयाना पुलिस कोतवाली में सरेंडर करने के बाद आज कोतवाली पुलिस ने आरोपी गनमैन को थाना वैर पुलिस को सौंप दिया है। बता दें, इस फायरिंग में गोली लगने से मां की मौत हो गई थी, जबकि घायल पुत्र का इलाज जयपुर अस्पताल में जारी है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है। 24/11/22 को ग्राम उम्र में घटना घटी थी, जिसके संबंध में मुकदमा नंबर 299 पब्लिक वाइज दर्ज किया गया है। मृतका का पोस्टमार्टम करा दिया गया है, तो मुजरिम को राउंडअप कर लिया गया है। आज पूछताछ कर गिरफ्तार किया जाएगा। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में रह गया सिर्फ एक साल का समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 15 नवंबर 2022 से रोजाना 2 विधानसभा 1 बजे और दोपहर 3 बजे स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं हम अजमेर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।